हेलो माय डियर फ्रेंड्स, प्यारे प्यारे भाइयों और उनकी बहनों, स्वागत है आपका कुमार आशीष ब्लॉग चैनल में। जैसा कि आपने देखा थंबनेल में, अभी मैं चल रहा हूँ डिफेंस एकेडमी, जहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है आर्मी में जाने के लिए। वहाँ खाना पीना कैसा होता है सब कुछ आपको दिखाने वाले हैं इस वीडियो में। मैं नहीं दिखाऊंगा, हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो, पर अंत तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि वहाँ पे जाके मैं बहुत मस्ती करने वाला हूँ। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तो अभी और पहली चीज, जितने लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि अभी मैं बहुत जगह नई नई जाने वाला हूं और बहुत सारी नई नई वीडियो आने वाली हैं। प्लीज़ सपोर्ट करो और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है? बहुत एक्साइटेड हूँ, चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको क्या क्या वहाँ पर होता है। बने रहिएगा मेरे साथ, देखिएगा पूरा वीडियो। थैंक यू। तो दोस्तों, मैं घर से निकल चुका हूं, अभी रास्ते में पहुंचा हूं खुरदही बाज़ार, जो कि गंदलिए फार्म में है, और ये पीछे पराग बूथ है जहां पे मैं खड़ा हूं। ये पीछे पराग बूथ है और इसी के आगे जस्ट वहां पे देखेंगे आपको अमूल का लिखा हुआ है, ये अमूल बूथ है जो कि खुरदही बाज़ार में पड़ता है। वो सामने आगे सीएल सिटी है पूरी, और अभी निकलते हैं, अभी रास्ते में हैं, फिर चलते हैं और देखते हैं। Close till I get up, time is barely on our side, I don't wanna waste what's left। तो दोस्तों, अभी मैं आ चुका हूँ अंसल गोल्फ सिटी, और ये जो आप पीछे देख रहे हैं, ये असल में क्या, अटल बिहारी वाजपेयी की जो यूनिवर्सिटी बन रही है मेडिकल, सबसे बड़ी वाली लखनऊ में, ये उसी का काम चल रहा है, अटल यूनिवर्सिटी का, जो कि अंसल गोल्फ सिटी में पड़ती है कैंसर हॉस्पिटल के पीछे। अगर आपको कहीं अगर आना हो तो अभी बनना स्टार्ट ही है, प्रोजेक्ट वर्किंग पे है, ये चल रही है। ये सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मेडिकल की बनेगी लखनऊ में, अटल यूनिवर्सिटी। और चलते, हम लोग को जाना है वृंदावन सेक्टर 11। तो अभी रास्ते में थी तो हमने आपको दिखा देते हैं, फिर आगे चलते हैं और मज़ा आएगा। नहीं मानता। तो हम आ चुके हैं वॉरियर डिफेंस एकेडमी, जो कि आप देख रहे होंगे पीछे मकान में इन्होंने अभी ऑफिस बनाया है। अभी ने दोस्त के पास कॉल किया, अभी वो है नहीं, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ उसका वेट कर लेता हूँ। ये लाल गेट है पीछे, आपको दिखाते हैं, ये लाल गेट पीछे, वो आपको बोर्ड दिख रहा होगा, वॉरियर डिफेंस एकेडमी, यहीं पर एडमिशन होता है और यहीं से ही ट्रेनिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है इनका। तो मेरा फ्रेंड अभी पढ़ाने गया है बाहर क्लास लेने, और तब तक कि मैं टहल के उसका रोड पे ही वेट कर लेता हूँ। अगर तब तक आप लोग को बता देता हूँ, अगर आपको डिफेंस एकेडमी में आना है, आर्मी की तैयारी करना है, देश की सेवा करना है, तो यहाँ आने का पता, अगर आप शहीद पथ से सीधा आते हैं, सुशांत गोल्फ सिटी तरफ से या तेलीबाग से आते हैं, तो आप गूगल मैप पे, ये पीछे हमारे कॉल आ गया था उसका, वो एक्चुअली आ चुका है, और मैं ये बता रहा था अगर आप शहीद पथ से आते हैं तो गूगल मैप पे सर्च करिए खुशबू मैरिज हॉल, जो आपका वृंदावन सेक्टर 11 ए में पड़ता है, ये पीछे हमारे है। और अभी हम चलते हैं उससे मिलते हैं, काफ़ी टाइम बाद हम लोग मिल रहे हैं, एक टाइम था जब साथ में पढ़ा करते थे, और अभी उसने अपनी एकेडमी खोल ली है जो आर्मी के बच्चों की तैयारी करवाता है। अभी मिलते हैं, आपसे भी दिखाते हैं उसको। वो सामने आ रहा है मेरा डीके भाई, जिससे मिले हुए मुझको भी जमाने हो गए, और आप लोगों को आज मिलाता हूँ, दिखाता हूँ, और उससे ठीक।
जय महाकाल और जय हिंद। जय हिंद सर। या चलो अपना इंट्रोडक्शन दो, फिलहाल तो हमने दे दिया। ये तुम फ्रेंड्स, ये हैं हमारे मित्र जो हमारे साथ पहले पढ़ा करते थे आज से 4-5 साल पहले, और जो कि इन्होंने अभी अपनी खुद की डिफेंस वॉरियर एकेडमी अपनी डाल ली है। तो इनकी कोचिंग का नाम डिफेंस वॉरियर एकेडमी है जो कि वृंदावन सेक्टर 11A में पड़ती है। अगर यहाँ पे आपको आना है तो हम पूरी लोकेशन इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो भाई पहले अपने बारे में बताओ कि हम लोग कैसे जानते हैं। मिलने आए, सबसे बड़ी बात तो ये है ये हमारे बहुत ही पुराने मित्र हैं हम, और ये साथ पढ़ा करते थे आज 5 साल, 2017 पढ़ रहे थे ना, 2017 में पढ़ रहे थे, तब से आज मुलाकात हो रही है अच्छे से। तो अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे और काफ़ी वीडियो ये वाला लंबा हो गया है, इसलिए इसका हम कुछ पार्ट में दिखाएंगे। कल भी शूट करना है। असल में क्या, पूरी जर्नी जैसी होती है क्लासरूम की, एक एकेडमी की, कैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है, कैसा ब्रेकफास्ट उनको मिलता है और कैसे उनका टेस्ट होता है, कैसे रहने की व्यवस्था होती है, कैसे खाने की व्यवस्था होती है, यहाँ पे एकेडमी क्या करती है, अगर बाहर से कोई बच्चा पढ़ने के लिए आया तो उसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिल जाएगी। और आपको चैनल सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि नेक्स्ट पार्ट जब आएगा तो उसमें पूरा आपको सुबह से लेकर शाम तक एक स्टूडेंट की आर्मी की जर्नी कैसी होती है वो पूरा आपको दिखाया जाएगा। क्यों भाई? यस बिल्कुल बिल्कुल। तो चलो अभी के लिए यहीं पे बंद करते हैं। अभी आ चुके हैं, मिल चुके हैं, अभी हम कल सुबह से शूट करेंगे पूरा और पूरा आपको दिखाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। बोलो भाई जय हिंद। जय हिंद।